आपको कैसे मिलूं? कैसे बताऊं यहाँ क्या चल रहा है? अब जो भी करना होगा वो मुझे ही करना होगा। मुझे तो ये शक है कि तुमने कहीं अपने किसी पर्सनल एजेंडे के तहत तो सत्या को गिरफ्तार नहीं किया था ना? सर, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ऑल द आईज आर अपॉन यू। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? एक नाजायज बेटी होगी तुम्हारी, ये भी तो नहीं सोचा जा सकता था। अंकुश, मेरे पास अब तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं। सर, बाबा जितने बड़े नहीं लेकिन कल्ले काका भी तो हीरो है। अगर वो सबके साथ अच्छा करते हैं तो उनके साथ भी अच्छा ही होना चाहिए ना। पर मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगा। सत्या का फोन आया था तुम्हारी सिफारिश के लिए, ऊपर से भी ऑर्डर आए, इसलिए तुम्हें इस ड्यूटी से सत्या की सिक्योरिटी पर शिफ्ट कर रहा हूँ। सर प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। ये सत्या की सिक्योरिटी या सस्पेंशन, चुनाव तुम करोगे। ऐसा फंसाया है अंकुश को कि काटो तो खून नहीं निकलेगा। बहुत घमंड था ना अपनी वर्दी पे, अब देखना कैसे कुत्ते की तरह मेरे इर्द गिर्द दुम हिलाते हुए फिरेगा। बहुत मजा आने वाला है। अपने जूते साफ नहीं करवाए ना तुझसे अंकुश, तो मेरा नाम भी सत्यराज्य वड़कर नहीं। I'm sorry sir, मैंने अपने बाबा को आदर्श मानकर पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, सच्चाई और कानून की रक्षा करने के लिए फोर्स ज्वाइन की थी, किसी भ्रष्ट नेता की रखवाली करने के लिए नहीं। अब जो चुनाव करने के लिए मुझे चॉइसेस दे रहे हैं वो चॉइसेस नहीं है बल्कि इंसल्ट है सर। बावजूद इसके अगर मुझे इनमें से किसी एक को चुनना है तो आई'ड सिलेक्ट सस्पेंशन सर। सत्या की रखवाली, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी मुझसे नहीं हो पाएगी। चैन सर। हाँ जल्दी बता। भेड़ा निकला वो तो एकदम। उसने सस्पेंशन ले लिया भाऊ। काय झाला साहेब? मैं भी देखता हूँ मेरी चाकरी कैसे नहीं करता है। गिधर है रे, देख इधर। अरे हाँ बोल भाऊ। आपने सही अनुमान लगाया था, मुझे अभी अभी अंकुश का कॉल आया था, एफडी के पेपर्स के साथ बुलाया है। ठीक है, मैं जब तक उधर नहीं आता है ना तो उसको कैसे भी रोक के रख, समझा क्या? हाँ ओके। हाँ जो बाबा के खराटे सुनाई देते इससे अच्छा यही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। काकी, आपके बिना मेरा यहाँ जीवन नहीं है। और फिर की बात, और भाई बाबा के बीच में ना झगड़ा इसी के वजह से हुआ है। चिंता ना करो सिस्टर, उस साड़ी ने मेरी नाक काटी थी ना, अब वो खुद कटेगी। मतलब वो पीछे वाली गली है ना जिसमें वो बगीचा है, वो बगीचा। बिला, मैंने पढ़ लिया है, तू फक्त साइन कर दे, ले। नहीं बहनी। अरे बेला, मैं तेरे भले के लिए ही बोलूंगी ना,
कर दे साइन इस पे। ए काय चल ले? हाँ किस पे साइन करवा रही हूँ दिखाओ। अरे देवा डाइवोर्स पेपर। बेला तुम्हें मेरी कसम है तुम इस पर साइन नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी। ये सुंदर सुंदर चेहरे देख करना भगवान अक्कल घुटनों में क्यों देता है मुझे समझ में नहीं आता। तू और तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी है इन दोनों को अलग करने की? बेला को न्याय दिलाने की जल्दी है साहेब, अंकुश को सजा दिलाने की जल्दी है। अरे मर्दों को भी तो पता चले कि औरतों पे अत्याचार करने का क्या नतीजा हो सकता है। ए नारी शक्ति चुप, बंद कर तुम्हारी बकवास, किसी को नहीं सुननी है। बेला तू इस पे सही कर, विषय अनि भाषण दोनी संपला। मेरा ना दिमाग सटक गया है, बच्ची कहाँ है बता दे, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। छोटा भाई होने का ज्यादा फायदा नहीं उठा रही क्या तू? हाँ भाई नहीं हूँ मैं तेरा, खत्म हो गया वो रिश्ता और तू भी खत्म हो जाएगा। तुझे मैं खत्म करूंगा सत्या, बच्ची कहाँ है बता दे, बच्ची कहाँ है सत्या? सत्यमेव जयते, ना कभी मरता है और ना कभी मिटता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या मेरा दिमाग खराब मत कर, बच्ची कहाँ है बता मुझे। ठीक है।
मैं फिर से बिस्किट ले आऊंगी। अंकुश नहीं बाबा, आज अगर वो बच्ची नहीं मिली ना तो इसकी जान ले लूंगा मैं। कहाँ है बच्ची? ए, चलिए, क्या है, क्या तमाशा लगा के रखा है? तू पुलिस वाला है ना, चल लगा अपनी पुलिस को ड्यूटी पे तेरी वो छोकरी को ढूंढने के लिए। सुई भी गिरती है तो आ जाता है इधर ढूंढने के लिए उसको। आर्या, आर्या! सत्या तो ऐसे नहीं जा सकता है बिना बताए कि आर्या कहाँ है। ये कौन झगड़ा कर रहा है? बाय। सत्या करो, नहीं मिली ना। कर ले काका। मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? आती तुम? हाँ ठीक तो है तू बेटा? मुझे क्या होगा कल्ला काका? लो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये यहाँ कैसे हो गई? डॉग्स ने इसे कुछ कैसे नहीं किया? यार यहाँ बिना बताए कहाँ चली गई थी तू बेटा? मुझे पता चला कि गुड़ काके के ये अंगूठी अपने खो दी थी, इसलिए आपसे नाराज है। तो मैं वो पीछे वाला बगीचा है ना, वहाँ इसको ढूंढने गई थी। क्या? अरे देवा, पीछे वाले बगीचे में? वहाँ पे रात में जाना तो बहुत डेंजरस है बाबा। रात में खूंखार कुत्ते छोड़ देते हैं सिक्योरिटी वाले। आपके लिए डेंजरस है वो, मेरे तो दोस्त है। लड्डू बर्फी समोसा सब मेरे फ्रेंड है। मैंने उन्हें बिस्किट दिया ना तो उन्होंने मुझे जाने दिया, तो फिर मुझे अंगूठी ढूंढ के दी। तुझे डर नहीं लगा? बात है वो मेरे लिए नहीं, डरपोक तो ये भोपला है। ये लो आपकी अंगूठी, अब प्लीज ये ले लो ना और उसके बाद घर आ जाओ ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.